Hello students, how are you? I am back with my next video for class 11. In this video, I am going to explain you the poem, The Laburnum Chalk. In this poem, the poet describes his experience of what he witnesses in the laburnum tree. It begins with describing how the leaves of the tree are yellow. He also notices that the treetop is still and remains silent even in the month of September. तो ये पोएम है का नाम है द लैबर्नम चॉप, जिसमें पोएट जो है हमें ये समझाता है कि किस प्रकार से वो है एक लैबर्नम ट्री को देखता है और साथ ही साथ उसके ट्रीज़ के जो पत्ते अब येलो हो चुके हैं, यानी कि सूख चुके हैं, और वो ट्री है अभी भी साइलेंटली खड़ा है, हालांकि सितंबर का मंथ आ चुका है. ड्यू टू द ऑटम सीजन द ट्री हैज़ लॉस्ट ऑल इट्स लीव एंड द सीड्स आर ऑन द ग्राउंड. Most noteworthy, the poet uses yellow to describe both the leaf's color and the sunlight. Over here, yellow represents silence, death, and beauty. Thus, he uses this color to describe the whole setting perfectly. अब autumn season है, पेड़ों के पत्ते जो हैं almost सूख चुके हैं, बीज जो है ज़मीन पर पड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी बात जो है इस पोएम में ये बताई गई है कि येलो कलर जो है पोएट ने जो है पत्तों के सूखे कलर के लिए, सनलाइट के लिए, दोनों के लिए यूज़ किया है. यहाँ पे जो है येलो कलर रिप्रेजेंट करता है साइलेंस को, यानी कि एक खामोशी को, एक डेथ को, ब्यूटी को, तीनों चीज़ को रिप्रेजेंट करने वाला एक ही कलर है, जो कि है हमारा येलो कलर. Thus he uses this color and describe the whole setting perfectly. तो इसलिए उसने इस कलर का यूज़ किया है क्योंकि ये पूरी पोएम को अच्छे से डिस्क्राइब करने वाला इकलौता कलर माना जा रहा है इस पोएम के लिए. After that he notices that the death like scene of the tree comes to an end with goldfinch bird preaches on it. The tree makes a sudden chirp sound upon the bird's arrival. He compares the quickness, speed and alertness of the bird to that of a lizard. अब यहाँ पे जो है पोएट ये नोटिस करता है कि डेथ लाइक सीन जो है वो एक मतलब ख़त्म होने के कगार पे है, जब गोल्ड फिंच नाम का पक्षी जो है उस पेड़ पे जो है आके बैठता है और थोड़ी सी चर्पिंग चहल कदमी थोड़ी सी मचाता है और इसी चीज़ का वेलकम करता है पेड़, एक चर्प साउंड को देते हुए मतलब पक्षी के आने का वो स्वागत कर रहा है. यहाँ पे जो पक्षी मतलब जो पेड़ ने जो एकदम से क्विकनेस दिखाई, जल्दबाजी दिखाई है, वो कंपेयर की गई है एक लिजर्ड से. जिस प्रकार लिजर्ड अपने शिकार को देख के तुरंत उसकी ओर भागती है, उसी प्रकार से यहाँ पे ट्री ने भी बर्ड के अराइवल के आते ही तुरंत ही उसका वेलकम किया है. When she starts moving towards the thickness of the branch, the nestling starts chirping and flapping their wings. Thus, due to this movement, the tree also starts shaking and trilling. Thus, we notice how the poet gives two contrasting scenarios while describing the tree. First was that it was death-like and then it gains life after the bird lands on it. तो यहाँ पे जो है बर्ड जब आके पेड़ पे बैठती है वो चर्पिंग करती है, साथ ही साथ अपने विंग्स को फ्लैप भी करती है. इस मोमेंट से जो है पेड़ जो है हिलने लगता है, थोड़ी सी उसके अंदर भी मोमेंट आने लगती है और यहाँ पे पोएट जो है दो सिनेरियास को जो है कंपेयर करता है. पहले जैसे पेड़ जब उसके ऊपर कोई पक्षी नहीं था, कोई पत्ता नहीं था, तो उसे डेथ लाइक साइलेंस बताया गया था, और जैसे ही उस पर पक्षी आया, उस पर बैठा, उस पर थोड़ा सा मतलब चहलकदमी करने लगा, तो ऐसा लगा मानो पेड़ के अंदर भी जान आ गई हो. फर्दर द पोएट फाइनली रियलाइज दैट द गोल्ड फिंच बर्ड एंड द ट्री आर द इंजन्स ऑफ हर फैमिली. व्हेन शी ब्रिंग्स फूड फॉर द लिटिल बर्डीज शी मूव्स टू द एंड ऑफ द अदर ब्रांच. ही डिस्क्राइब द बर्ड्स अपीरियंस, इट हैज़ अ स्ट्रिप्ड फेस विच इज़ डार्क इन कलर. यहाँ पे जो पोएट आखिरकार महसूस ये करता है कि गोल्ड फिंच बर्ड जो है
और ट्री जो है एक इंजन है उसकी फैमिली के लिए, मतलब वो वहाँ पे जाती है, छोटे छोटे कीड़ों को लेके आती है अपने बच्चों को खिलाने के लिए, और इस तरीके से वहाँ पे जो है घोंसला वगैरह बना के एक लाइफ जो है वो स्टार्ट करती है। यहाँ पे पक्षी के चेहरे को डिस्क्राइब किया गया कि वो स्ट्रिप्ड फेस है और जो कि अंधेरे में काफ़ी डार्क कलर में दिखाया गया है। आफ्टर दैट हर बॉडी इज़ येलो एंड थस ब्लेंड इन विद द लीव्स ऑफ द ट्री। फाइनली आफ्टर रीचिंग द ब्रांच एंड शी मेक्स अ रादर स्वीट चर्पिंग साउंड टू विस्परिंग एज शी फ्लाइज अवे इन द लिमिटलेस स्काई। थस आफ्टर द बर्ड लीव्स द ट्री द लैबनम वंस अगेन बिकम साइलेंट एंड डेथ लाइक। तो अब जो है उसकी बॉडी भी जो है येलो है और उस पेड़ के पत्तों के साथ वो मिक्सअप हो गई है, क्योंकि उसके पेड़ के पत्ते भी येलो हैं, और साथ ही साथ जो है अब वो ब्रांच के एंड पे पहुंच गई है, तो वहाँ पे जाके जो है थोड़ी सी विस्परिंग चॉपिंग करती है और फिर वो उड़ जाती है, और उस पक्षी के उड़ते ही वो पेड़ जो है पुनः जो है एक जो है निर्जीव के भांति जो है हो जाते हैं, जिसके अंदर कोई जान नहीं है। तो आई होप यू हैव लाइक द समरी एंड द पोएम एज वेल। प्लीज़ डू राइट द समरी इन योर नोटबुक्स एंड द डू द टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो इन अ वेरी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय फॉर नाउ।